हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल जय क्रेजी वीडियोस में आपका स्वागत है। गाइस, आज करने वाले सिलाई मशीन का रिपेयरिंग। चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को पसंद आए तो लाइक कर देना। चलिए गाइस, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। गाइस, मैं आपको लाइव टेस्ट करके दिखाऊँगा। गाइस, चलिए गाइस, मैं इस कपड़े पे सिलाई कर लेता हूँ। देखो गाइस, थोड़ा सा चला गाइस, देखो थोड़ा सा चला गाइस और फिर धागा टूट गया। ये देखो गाइस किस तरह का हो रहा है। थोड़ा सा चलने पर गाइस धागा टूट जाता है, थोड़ा चलते हैं धागा टूट जाता है। एक प्रकार का और प्रॉब्लम आता है गाइस कि थोड़ा सा चलता है लंबा धागा छोड़ते हुए, फिर चलता है लंबा धागा छोड़ता है, फिर टक्का मारता है, फिर छोड़ता है। और यहाँ पर गाइस, यहाँ पर एक छेदा होता है ना, होल, आपको दिखा देता हूँ जूम करके। इस तरफ गाइस थोड़ा सा ऊपर होल होता है गाइस, वहाँ पर नट होता है, उसे एडजस्ट कर हमारा मशीन का ये वाला भाग, इसे गाइस दिखाऊंगा गाइस, ये वाला भाग गाइस सुई वाला, उसको एडजस्ट करेंगे गाइस। नीचे की तरफ करना गाइस, नीचे थोड़ा सा नीचे कर लेना, इससे गाइस हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए गाइस, हमारे प्रॉब्लम की तरफ पढ़ते हैं। इसको गाइस कैसे सॉल्यूशन करना है मैं बताता हूँ आपको। गाइस, मैं आपको दिखा दिया कि मशीन किस तरह का स्टाका दे रहा है और धागा कट रहा है, थोड़ा सा भी चल रहा है गाइस, धागा कट जा रहा है। चलिए देखो दोस्तों, देखते हैं इसका रिपेयरिंग कैसे किया जा सकता है। गाइस, हमें ये वाला भाग को गाइस हमें खोलना है यहाँ पास गाइस, यहाँ इसको खोल लेंगे गाइस। यहाँ पर स्क्रू लगा है गाइस, ये वाला यहाँ पास लगा है, इसे खोल कर चलो गाइस। आपको देखो गाइस, मैं इसे खोल लिया हूँ गाइस, ये यहाँ पास देख लीजिए गाइस, मैं इसे खोल लिया हूँ। ये रहा गाइस इसका भाग, इसे मैं यहाँ पास ऐसे लगा हुआ था, ऐसे लगा हुआ था गाइस, यहाँ पास निकाल लिया गाइस। इसमें देखना गाइस कि यहाँ पास टूटा हुआ है, अच्छे से दिखा दूँगा गाइस। ये देखो गाइस, यहाँ पास गोल का छेदा है गाइस, वहाँ पास ये वाला भाग टूट गया है। ये देखो गाइस, ये देखो गाइस, यहाँ पास ये देखो यहाँ पर टूट गया गाइस, यहाँ पास इसमें गाइस मशीन का सुई इसमें जाता है गाइस, तो यहाँ पास धागा फंस जाता है और मशीन ऊपर आता है गाइस, धागा को खींचता है, यहाँ पास से धागा ऊपर खींचता है तो गाइस आज में फंस कर टूट जाता है गाइस, इसी से ही पूरा फॉल्ट आता है गाइस। एक और फॉल्ट होता है गाइस धागा टूटने का, इसी तरह से आपको दिखा देता हूँ मैं। देखो गाइस, यहाँ पास गाइस आपको दिखा दूंगा इस, यहाँ पास गाइस, यहाँ पास गोल का होता है गाइस, यहाँ पास उस गोल का लगा था गाइस, मेरा टूट गया है। उसमें गाइस बराबर से उसे साफ कर लेना गाइस, क्योंकि यहाँ पास गोल का होता है काट कट गया होता है, वहीं से धागा अंदर चले जाता है गाइस, बाहर निकल जाता है। इसमें से गाइस सुई दिखा दूँ, इसमें से गाइस यहाँ से गाइस छेदा से सुई हमारा अंदर जाता है, वहीं अंदर से गाइस हमारा धागा भी बाहर निकलता है गाइस, यहाँ बाहर निकल जाने से गाइस हमारा धागा वापस खिंचाता है तो गाइस धागा टूट जाता है। तो गाइस अच्छे से इसे साफ कर लेना गाइस, देखो मैं कैसे कर लिया हूँ गाइस, इस तरह से गाइस आप साफ कर लेना और नुकीला भाग नहीं रहना चाहिए गाइस, वरना हमारा धागा टूटने का प्रॉब्लम बना रहेगा। इसे गाइस आप रिप्लेस करा सकते हैं गाइस, मार्केट से नया लाकर आप लगा सकते हैं, नहीं तो गाइस मैं आपको रिपेयर करने का इसे अच्छे से तरीका बताता हूँ।
वीडियो पर बने रहे गाइस। गाइस इसको रिपेयर करने का बहुत आसान तरीका बता देता हूँ गाइस। इसको मार्केट से नया ले आना गाइस, नहीं तो गाइस इसमें सोल्डिंग कर लेना गाइस अच्छे से। ये गोल ही रहना चाहिए गाइस, यहाँ पर कट नहीं रहना चाहिए, इसे बराबर सोल्डिंग कर देना गाइस। मैं आपको गाइस करके दिखा देता हूँ गाइस, ऐसे आप कर लेना। नहीं तो आपके पास बजट है, आपका पैसे हैं तो आप रिप्लेस कर लेना गाइस। सोल्डिंग करके दिखाता हूँ आपको गाइस। गाइस सोल्डिंग अच्छे से कर लेना गाइस, देखना गाइस मैं सोल्डिंग कर रहा हूँ, आप अच्छे से सोल्डिंग कर लेना गाइस, अच्छे से कर लेना गाइस। धीरे धीरे सोल्डिंग लेगा गाइस, एकदम नहीं लेगा, अच्छे से टिपो लेना गाइस सोल्डिंग आयरन को, और इस लोहे को भी अच्छे से टिपो लेना गाइस सोल्डिंग आयरन को वहाँ पर रख कर। इसी तरह से गाइस अच्छे से सोल्डिंग कर लेना, ठीक है। आपको सोल्डिंग कर दिखाता हूँ, देख लीजिए गाइस मैं इसे अच्छी तरह से सोल्डिंग कर लिया हूँ। इसी तरह से आप भी कर लेना गाइस। गाइस ये देख रहे हो गाइस कि यहाँ पास ऊपर हो गया गाइस, इससे हमारा गाइस ये सोल्डिंग कपड़े में फंस कर निकल जाएगा गाइस। इससे गाइस हम अच्छे से इसे इस पेपर से घसने से हम इसे घस लेंगे गाइस, अच्छे से फिनिशिंग कर लेंगे गाइस। चलिए गाइस आपको फिनिशिंग करके दिखाता हूँ गाइस, आप फाइल से रेती से कुछ भी चीज़ से कर सकते हैं गाइस। देखो गाइस मैं इसे अच्छी तरह घस लिया हूँ गाइस, दोनों पर से ऐसे नहीं लग रहा गाइस कि ख़राब है, सोल्डिंग किया हो इसे, अच्छी तरह से गाइस सोल्डिंग कर लिया हूँ। इसी तरह से गाइस आप भी कर लेना, ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे सूजी आर पार निकलना चाहिए गाइस। सूजी को कोई भी तरह से किसी भी तरह से प्रॉब्लम निकलने या बाहर आने में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, देख लीजिए गाइस ऐसे गोंडा होना ज़रूरी है बस। चलिए गाइस इसे मैं फिट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको चलाकर। फाइनली गाइस हमारा मशीन का ये वाला पार्ट लगकर तैयार हो चुका है। चलिए गाइस सिलाई टेस्टिंग कर लेते हैं कैसा चल रहा है, धागा तो नहीं टूट रहा है। चलिए गाइस आपको चलाकर दिखा देता हूँ, देखते हैं गाइस सिलाई करके कि चल रहा है या अच्छे से चल रहा है या नहीं चल रहा है। देखिए गाइस अच्छे से हमारा मशीन काम नहीं कर रहा है, अभी का धागा नहीं टूटा है गाइस। देखिए ऐसा और भी रिश्ते चला कर दिखा रहा हूँ, और रिश्ते चला रहा हूँ गाइस, धागा का टूटने का प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। देखिए गाइस ये गाइस हमारा पहले का सिलाई था कि यहाँ तक आने पर हमारा धागा टूट गया है, अरे वाला है गाइस दिख लेना गाइस, ये वाला गाइस हमारा है, यहाँ से यहाँ यहाँ तक पूरा सिलाऊँ गाइस आपके सामने अच्छे से गाइस रफ्तार हुई भगा के दिखाएगा गाइस। दूसरा तरफ देख लेना गाइस, ये रहा गाइस, ये रहा गाइस धागा अच्छे से चल रहा है गाइस, ये देखो गाइस अच्छे से सिलाई हो रहा है गाइस। गाइस वीडियो पसंद आए तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना, नए हो हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस। इसी तरह के हम ऐसे ही नए नए वीडियो लेकर आते रहते हैं हमारे चैनल पर। चले गाइस बाय बाय।